है दोस्तों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अभी के 6:15 का टाइम हुआ है और हम जो है नालागढ़ से नैना देवी जा रहे हैं। आज हमने सोचा हम भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करें। हमारे दोस्त ने हमें फोर्स किया कि हम भी ट्रैवलिंग हर सैटरडे संडे करते रहते हैं। सो आज जा रहे हैं हम नैना देवी मंदिर, जो कि नालागढ़ से 50 किलोमीटर अप्रॉक्स 50 और 60 किलोमीटर के बीच में रहेगा। अभी हम पहुंचे हैं स्वार घाट। अगर आपको भी नालागढ़ से नैना देवी जाना हो तो मेरा मानना तो यही है कि सुबह सुबह ही निकले। इस रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रक आते हैं क्योंकि यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है ऊपर हमारे दाड़ला घाट साइड। तो अगर कोई भी आना चाहे नैना देवी तो सुबह सुबह आए। उसके बाद तो मंदिर में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो चलो चलते हैं हम भी दोस्तों, हमारा साथ आप भी देंगे, हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। सो चलो दोस्तों अब चलते हैं, हम बीच बीच में से आपको वीडियो दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम पहुंचे हैं वैसे स्वार घाट में। स्वार घाट से हम अप्रोक्स 5 या 7 किलोमीटर आ गए हैं। अब यहाँ से हम राइट टर्न लेके नैना देवी की ओर जाएंगे। यहाँ से 18 किलोमीटर नैना देवी का मंदिर है दोस्तों। ये यहाँ पे टनल का काम चला है, यहाँ पे अप्रोक्स 7-8 किलोमीटर की ये टनल बन रही है। ये हम आपको टनल बाद में दिखाएंगे कभी। अभी हम जो है जा रहे हैं नैना देवी। अब यहाँ पे बोर्ड लगा है नैना देवी 18 किलोमीटर। यहाँ पे ये रोड जो है सिंगल वे है। ये नैना देवी जाते टाइम थोड़ा सा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी वादियाँ रहती है हिमाचल में। अगर आप कोई भी आना चाहे तो आइए, आपका वेलकम है। कितनी अच्छी साउंड आ रही है पक्षियों की चहचहाने की, ऑसम साउंड दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडिकेशन लगी है माँ चिंतपूर्णी जी 105 किलोमीटर है यहाँ से, ज्वाला जी मंदिर 142 किलोमीटर है। ये दो मंदिर भी हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और नैना देवी जो है 6 किलोमीटर रह गया है। हमारा भाखड़ा बांध भी यहाँ से नज़दीक 20 किलोमीटर है। सो अब हम चलते हैं दोस्तों नैना देवी की ओर। और दोस्तों अब हम नैना देवी मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। अब ये जो है सामने नैना देवी का मुख्य द्वार है। सो हम आपको बताते हैं अब मुख्य द्वार नैना देवी जी का। यहाँ पे ये सामने जो है नैना देवी जी का मुख्य द्वार है। जय माँ नैना देवी जी। दोस्तों अब जो है हम पैदल जा रहे हैं नैना देवी जी को। अब देखिए ये मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जुलाई का महीना और मौसम देखिए आप, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये मंदिर जाने के लिए रास्ता, यहाँ से हम मंदिर जाएंगे ऊपर। यहाँ से 300 या 400 मीटर मंदिर हमारा रहेगा। सो चलो हम चलते हैं, आप भी ज़रूर आइएगा एक बार नैना देवी जी के मंदिर में। यहाँ पर कुछ भक्त जो हैं बंदरों को केला देते हुए। यहाँ के बंदर बहुत ही खराब हैं दोस्तों। अब ये केला देखो कैसे छील के खाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है अपने शहर की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी। तो जो भी हिमाचल आए, मंदिर आए, नैना देवी आए, कृपया करके कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है माँ नैना देवी के चरण। और अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर। ये है मंदिर का नज़ारा। अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और अभी
भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। अभी हम आपको दिखाएंगे ये कुछ भक्त जो है लाइनों में लगे हुए हैं, हम भी इनके आगे खड़े हुए हैं। आप भी आइए सुबह सुबह, आइए सुबह का अच्छा नज़ारा सारी मनोकामनाएं पूरी होती है मंदिर में आके। आप सब आइए यहाँ का लुत्फ उठाइए। ये मुख्य द्वार हमारा जगह देवी जी का मंदिर का, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अभी हमें 10 बज चुके हैं, हम भी 8 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। श्रद्धालु आजकल नवरात्रि लगे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं। चलो हम भी अब मुख्य द्वार पहुंच चुके हैं। ये माँ नैना देवी जी है, सारे माँ नैना देवी जी के दर्शन कर लीजिएगा। बोलो जय माँ नैना देवी जी। और अब हम जो है वापिस जाएंगे यहाँ से। और दोस्तों अब हम वापिस जा रहे हैं तो आप मानसून देख सकते हैं कितना अच्छा मानसून है। यहाँ से अब नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें। नीचे हमने स्कूटी खड़ी की हुई है, नीचे गाड़ियाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कुछ भक्त जो हैं लुत्फ़ उठाते हुए अभी ऊपर मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त आगे आगे चले हुए हैं और अभी हमें कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही है। यहाँ से आपको भी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। दोस्तों ये वाला जो हाईवे है, ये वाला कीरतपुर चंडीगढ़ भाखड़ा बांध वाला हाईवे है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम वापस बद्दी नालागढ़ होके। अब ये देखिए ये भाखड़ा बांध का पानी आ रहा है, ये नहर है। आपको मैं नज़दीक से नहर दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा। आप भी अगर हाईवे पे गाड़ी व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपनी साइड में ही चलें, स्पीड जो है कंट्रोल में ही रखें। यहाँ का मॉनसून जो है कभी भी चेंज हो जाता है हिमाचल का। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ से चंडीगढ़ जो है 54 किलोमीटर। और अभी हम आपको एक ब्रिज दिखा रहे हैं और ब्रिज से थोड़ा आगे जाके एक नहर है, हम आपको वहाँ ले जाएंगे। ये देखिए नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा पानी, हरा हरा पानी नहर का। अब मैं आपको नहर की ओर ले जाऊंगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके। ये देखिए दोस्तों आइए जरूर नहर का लुत्फ़ उठाइए। ये सारा भाखड़ा बांध का पानी है। मैं आपको बाद में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आपको भाखड़ा बांध भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं ब्रिज के नीचे बने हुए लहरें, बहुत सारे लोग यहाँ पे लुत्फ़ उठाते हुए। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।